हेलो गाइस, आई एम निखिल सैनी फ्रॉम माइक्रोकाइडिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कंपेलिंग कंपेलिंग हेडलाइंस कैसे लिख सकते हैं। कंपेलिंग मतलब अट्रैक्टिव, जो एक बार आपके अटेंशन जिसको जिस हेडलाइन को आपके अटेंशन मिले। जैसे ये एग्जांपल है एक मे ब्लॉग पे, थ्री अनटैप्ड वेज फॉर फ्री डू फॉलोइंग दैट नो वन नोज। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल आप किसी और ब्लॉग्स भी देख सकते हैं कि कुछ मतलब ऐसे हेडलाइन जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करे, जो आपको क्लिक करने पे मतलब फोर्स करे कि भाई हाँ, आप देखना चाहें कि इस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई हेडलाइंस इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली देखिए, हेडलाइंस किसी भी हमने जो भी कंटेंट लिखा है हमारे ब्लॉग पे, उसका एक आईना होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। जो भी हमने कंटेंट लिखा होता है उसके बारे में एक हमें नॉलेज, एक इंस्टेंट नॉलेज देता है कि हाँ, ये कंटेंट टाइटल से पता चल जाता है कि भाई हाँ, इस कंटेंट में आगे क्या लिखा होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने हेडलाइन पे वर्क कर रहे हैं पोस्ट की, तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको। जैसे गूगल में आपके कई बार रैंक कर रहे हैं, 90वें 10वें पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हैं, तो आपके अगर आपने कंपेलिंग हेडलाइंस लिखी है जो यूजर जो विजिटर्स का अटेंशन ग्रैब कर रही है, तो उससे तो आपके क्या है, सीटीआर अच्छा होगा उसे। मतलब क्लिकिंग के जो चांसेस होंगे आपके पोस्ट पे, क्लिक के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। अगर और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी अपने ब्लॉग्स या फिर कहीं पे भी सबमिशन किया हुआ है, कहीं पे अपनी जो वेबसाइट है वो लिंक डाला हुआ है, और वहाँ पे विजिटर देखता है कि एक आपने कंपीलिंग हेडलाइंस लिख रखी है, वहाँ पे अट्रैक्टिव हेडलाइंस लिख रखी है, तो यूज़र का अगर वो ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो इसका ये फ़ायदा है। इससे क्या, आपका वेबसाइट का ट्रैफिक भी बढ़ता है। ठीक है, हाउ टू राइट बेस्ट हेडलाइंस। देखिए, ऐसे कोई वो मेन देखिए, हेडलाइंस रीडर्स होते हैं उनकी इमोशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप इमोशन ट्रिगर कर देते हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ, कि आपकी पोस्ट जो है पोस्ट के लिंक पे क्लिक होगा। मैं जो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कोई भी मतलब अच्छी से हेडलाइन लिखने का, वो ये है, नंबर या फिर ट्रिगर वर्ड। जैसे कि ट्रिगर वर्ड जैसे हो गया ज्वाइन, इस तरह के वर्ड, और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कोई भी कीवर्ड हो गया, उसकी कोई क्वालिटी होगी। ठीक है, और एक प्रॉमिस हो गया। देखो, ये पूरा इसका ही फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी कई बार कभी भी जब टाइटल लिखें तो इसको ध्यान में रख लें। सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका। देखिए, थ्री हो गया यहाँ पे, है ना, नंबर आ गया यहाँ पे थ्री। नंबर्स और हाउ टू जो हेडलाइंस होती है, हाउ टू से स्टार्ट होती है, उन पे क्लिक उनका जो क्लिक क्लिक्स हैं उनके ज़्यादा रहते हैं, नंबर और हाउ टू वाले के। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। देखिए, नंबर आ गया पहले, ठीक है, यहाँ पे नंबर है, और एडजेक्टिव बोला है इन्होंने, ये एडजेक्टिव हो गया अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड आ गया हमारा, कीवर्ड इज टू। उसके बाद में प्रॉमिस आ गया, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक ड्राइव कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो जब भी आप इसको नोट कर लीजिए, जब भी आप टाइटल लिखें तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ में लें। इस तरीके से आप एक अच्छी हेडलाइंस लिख पाएंगे। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हाँ यार, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हमारे पास। फॉर्मूला तो है, लेकिन हम आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम नहीं लिख पाते टाइटल। मेरे साथ कई बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या है यहाँ पे कुछ टूल यूज़ में लेता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो मैं इन टूल्स को यूज़ में लेता हूँ। सबसे पहला टूल है ट्विक योर बिज। ठीक है, सिंपल सा टूल है। यहाँ पे आप कोई भी अपना कीवर्ड जो है वो एंटर कर दीजिए। हमारा जैसे कीवर्ड ये था, कीवर्ड सर्च टूल। ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, ओके, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए आपके पास टाइटल्स आ गए हैं काफ़ी सारे इनको, मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही टाइटल मत बनाइए, इनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके एक अच्छा टाइटल जनरेट कीजिए, ठीक है? ये काफ़ी सारे इन्होंने सजेशन दे रखे हैं यहाँ पे, इनका यूज़ करके आप बहुत ही एक बेहतरीन टाइटल तैयार कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है? अब सेकंड पे आता हूँ मैं, को शेड्यूल, इसको मैं एंड में बताऊँगा आपको। टाइटल जनरेटर, ये इसका URL है, टाइटल जनरेटर मेरे पास कहाँ है जी, जरा देखिए। यहाँ पे भी आपको आपका कीवर्ड जो है वो पेस्ट करना है, सॉरी, हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बहुत अच्छा टूल है ये, जनरेट हेडलाइंस। थोड़ा सा टाइम देता ही है, 1-2 सेकंड का, उसके बाद में आपको ये, मतलब ये बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे आपको यूनिक यूनिक एग्जांपल मिल जाएंगे यहाँ पे टाइटल से, जैसे वांट टू सेटअप योर कीवर्ड सर्च टूल, यू नीड टू एड दिस। मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, उससे आपको क्या है इंस्पिरेशन मिल जाएगी, अच्छे टाइटल्स के अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है? हम एंड तक देखते हैं, देखिए 300, फर्स्ट पेज पे 300 सजेशंस हैं, ऐसे सेकंड पेज और थर्ड पेज, टोटल हेडलाइन आइडियाज 700 हैं। तो स्टार्टिंग में आपको, मैं भी अगर यूज़ करता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छे सजेशंस मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है पोर्टेंट, ये भी एक अच्छा टूल है, ठीक है? यहाँ पे हमने जो कीवर्ड है वो पेस्ट कर देंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आने लगा। जैसे अब इस सर्कल शेप के आइकन पे क्लिक करेंगे, अब आइडियाज आते जाएंगे आपको। सेवन वेज नोइंग अबाउट कीवर्ड रिसर्च टूल विल लैंड यू इन जेल, इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है, इंस्पिरेशन लेनी है और उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक अच्छा टाइटल तैयार करना है। इंस्पिरेशन कैसे यूज़ में करनी है आपको, ये जो फॉर्मूला है हेडलाइंस के लिए फॉर्मूला, ये यूज़ में लेना है, उसी अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा टाइटल बना पाएंगे, जो कि क्या है, जो लोग जो रीडर्स के इमोशंस को ट्रिगर करता है, उन्हें एनकरेज करता है आपकी पोस्ट पे क्लिक करने के लिए, ठीक है? इस तरीके से इस पे क्लिक करते जाएं और नए नए आइडियाज आपके पास आते जाएंगे। नेक्स्ट टूल पे आते हैं, नेक्स्ट टूल है हब स्पॉट का है ये टूल, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है इसे, ठीक है? ये आपको तीन ऑप्शन देगा, हम फर्स्ट वाला यूज़ में लेंगे। यहाँ अपना कीवर्ड डालेंगे, गिव मी ब्लॉग टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। पांच, इसने पांच जो है सजेशन दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल जो है, हेडलाइंस जो है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? वही चीज़ इसके लिए है जो मैंने बाकी के उनके लिए बताई है, इसके लिए कि आपको इनसे खाली इंस्पिरेशन लेनी है, खाली इनसे खाली एक हेल्प लेनी है कि हाँ इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, और आपको फॉर्मूला वही वाला यूज़ करना है, ठीक है? देखिए ये तो हो गया टूल, अब आपको एनालाइज करना है, आपने एक हेडलाइन तैयार कर ली, अब आपको देखना है कि वो पावरफुल है या नहीं है। तो coshedul.com पे ये URL देख लीजिए, coshedul.com/headlineanalyzer, ये टूल है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमें हेडलाइन जो है वो पावरफुल है या नहीं है। तो जैसे कि मैं इसी को लेता हूँ, कॉपी
कॉपी किया और उसे अभी पेस्ट कर दिया। एनालाइज करेंगे सेवेंटी वन, मतलब अच्छा स्कोर है। आप इससे भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब अनकॉमन वर्ड्स नहीं है तो 0% आ रहा है। अगर अनकॉमन वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी मतलब और भी अच्छा पॉइंट मिल सकता है। कॉमन वर्ड्स हैं, इमोशनल वर्ड्स हैं, पावर वर्ड्स हैं। पावर वर्ड के लिए देखिए मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट भी डाली हुई है। कई बार क्या होता है पावर वर्ड्स मिलते ही नहीं है। पावर वर्ड से क्या है, काफ़ी हेल्प मिलती है टाइटल को बूस्ट देने में। ये देखिए 238 कैची वर्ड्स लिस्ट टू राइट यूनिक एंड पावरफुल टाइटल्स। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, ये देखिए वर्ड्स की लिस्ट है पूरी। आप एक एक इनमें कोई सा भी वर्ड जो रिलेवेंट हो आपके हेडलाइन के यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइटल, और अपनी अपने टाइटल को अभी पावरफुल बना सकते हैं। इस लिस्ट में मैं अभी और वर्ड्स करूँगा, ये भी काफ़ी हेल्प देते हैं, मैं इनकी इनको यूज़ में लेता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट ध्यान में रख लीजिएगा, 238 कैची वर्ड लिस्ट टू राइट यूनिक एंड पावरफुल टाइटल। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम कंपेलिंग हेडलाइंस लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है माइक्रोकेडिया नाम से, तो उसे सब्सक्राइब करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक फॉर्म लगाया मैंने अपने ब्लॉग पे, अभी नए नए हैं, अब मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालें और सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपको पोस्ट होंगी, जो भी मेरे अच्छे आर्टिकल्स होंगे और गाइड्स होंगे, वो डायरेक्टली आपको ईमेल पे मैं उसके उनसे सेंड कर दिया करूँगा आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।